छत्तीसगढ़ के गौरेला पैंद्रा मरवाही में भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने गौरेला पैंद्रा के गांव में सघन जनसंपर्क किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू गौरेला पैंड्रा के विभिन्न गांवों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने कई गांवों में सघन संपर्क करते हुए विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की और केंद्र के नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ की विष्णु देवी साई की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की गई। देखिए, विगत 10 साल में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद धरातल में काम हुआ है। अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से माननीय मोदी जी ने लोगों के जीवन को संवारने का काम किया है और इससे लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है। आज हर घर हर व्यक्ति के पास माननीय मोदी जी 5 किलो चावल भेज रहे हैं। 80 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। माननीय मोदी जी की गारंटी पूरी हुई है। मातारी वंदन योजना के माध्यम से सभी मातारी बहनों के खाते पर 1000 रुपया जा रहा है। किसानों को 2 साल की बोनस की राशि मिल गया। 3100 रुपये में धान खरीदी हो गया। ऐसे अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है और माननीय मोदी जी ने इस देश पर जो बड़े बड़े निर्णय लेकर के राष्ट्रपति में धारा 370 समाप्त करना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना, त्रिवक तलाक कानून पास करना और जो वर्षों से रह रहे विस्थापित लोग उनके लिए सृजन अमेंडमेंट एक्ट ला करके उनके भी जीवन को संवारने का काम किया गया। तो पूरे देश में भारतवर्ष में माननीय मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है। लोग आगे आकर बोल रहे हैं कि आएंगे तो मोदी ही, इसलिए मोदी जी के प्रति आकर्षण है, मोदी जी के प्रति विश्वास है। मोदी जी ही इस देश के भविष्य को संवार सकते हैं। बिलासपुर लोकसभा में हार जीत की कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा सिर्फ इस बात की होती है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा को कितने लाख की अंतर से जीतेंगे। तो हमारा नारा है अब की बार 400 बार, लेकिन बिलासपुर वासी कहते हैं कि बिलासपुर लोकसभा से इस बार अब की बार 3 लाख पार, ये नारा है।